15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है और उनकी जयंती को सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। देखिए, हम लोग आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं और ये गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आने की संभावना है और आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है उसको आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका अच्छा भाव है और वो अब भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जुड़े थे, अब और तेजी से हमारे जो आदिवासी भाई बहन है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा दिए जा रहे बयानों से कांग्रेस पार्टी नाराज है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर बयान दिया था। उनके बयान के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस नेता सांसद प्रज्ञा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अनोखा प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। कांग्रेसियों ने इस दौरान नींबू मिर्च और अन्य सामग्री लेकर प्रेत आत्मा को भगाने की बात कही। देखिए, आज हम लोग ये सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पर ये पूजा पाठ एक विधि विधान करने आए थे। जिस महिला को भोपाल शहर की जनमानस ने 15-20 लाख आबादी ने चुना हो और वो लगातार हमारे शहीद हो, जैसे हेमंत करकरे की बात कर ले, गांधी जी की बात कर ले, नाथूराम गोडसे की विचारधारा की बात कर ले, आतंकवादी विचारधारा की बात कर ले, उन विचारधाराओं के मानने वाली ब्राह्मणों का अपमान कर रही है, माँ नर्मदा परिक्रमा करने वालों का अपमान कर रही है, माँ नर्मदा का अपमान कर रही है और जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान कर रही है। तो मुझे लगता है, हमें ऐसा महसूस हुआ, हमारे दिल ने बोला कि शायद प्रेत आत्मा घुस गई है। तो हमने जानकारों से, जो जानकार लोग हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ विधि विधान बताई कि काले कपड़े के साथ नींबू और ये लगा करके निश्चित रूप से किया जाए तो शायद वो प्रेत आत्मा जो उसके शरीर में समा चुकी है, क्योंकि वो प्रेत आत्मा उसी विचारधारा की है जिस विचारधारा की प्रज्ञा ठाकुर है, तो वो प्रेत आत्मा उससे चिपक गई है। हमारा, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करने आए, भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करने आए, माँ नर्मदा से प्रार्थना करने आए कि उस प्रेत आत्मा उस शरीर को छोड़े और समाज को, वंश को मिटने से बचाए, विनाश होने से बचाए, जो लगातार समाज को गलत दिशा दे रही है और गलत उच्चारण कर रही है। ऐसे समय में हम लोग ये नींबू और लगा करके उनके बंगले पर अब ठोकने जा रहे हैं कि प्रेत आत्मा अब शांत हो जाए, उनके शरीर को मुक्त करे। हमारी भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत लगातार खराब हो रही है और लगातार अनगर बिलाप, वो चाहे वो बीजेपी के पदाधिकारी हों, चाहे कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक हों, सांसद हों, सबके खिलाफ कर रही हैं। हमको इस बात चिंता है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोलने लगें। उनके अंदर कहीं ना कहीं सुरपड़ खा गई प्रेत आत्मा। हम लोग, फिर मोनू भाई आए तो मोनू भाई से मैंने बात करी, हम लोग एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने हमें बताया कि भाई दशहरे के समय में क्या होता है कि जितनी राक्षसी आत्मा है, जब राक्षस त्यौहार आता है तो ये कहीं ना विचरण करती हैं और विचरण करते करते समय ये प्रज्ञा ठाकुर शरीर में प्रवेश कर गई सुरपड़ खा की प्रेत आत्मा। तो पंडित जी ने कहा भाई ये दो ही उपाय हैं इसके, या तो पूजा पाठ से इसको करो या सुरपड़ खा की नाक काटो। तो नाक तो हम लोग काट नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के अनुसार सिपाही हैं। तो हमने रास्ता अपनाया है कि पंडित जी से पूजा पाठ की विधि विधान सीखी और वो पूजा पाठ की विधि विधान से हम यहाँ उनके निवास पर करने आए थे ताकि वो प्रेतात्मा उनके शरीर को छोड़ दे। जिस प्रकार से वो लगातार कहीं ना कहीं उल्टे सीधे अनाप शनाप विलाप कर रही हैं, वो सुरपड़ खा के प्रेत आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर गई है, इसलिए हम लोग ये सब पूजा पाठ करिए। CSP साहब से कहेंगे दरवाजे बांधने जाके ताकि वो प्रेत आत्मा उनके शरीर से निकल जाए और भोपाल का विकास और जो जैसी सांसद हमने चाही थी भोपाल के लिए, वो सांसद का रूप हमें फिर से देख कर रहे हैं। हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं भैया, हम तो चाह रहे हैं कि हमें तो ऐसा सांसद मिले जो भोपाल का विकास करे, भोपाल के नागरिकों को सम्मान करे, भोपाल जनप्रतिनिधियों को सम्मान करे, पत्रकारों को सम्मान करे, अधिकारियों को सम्मान, सबका सम्मान करे। कभी कहती है गौड़से के अनुयायी है, कभी कहती है नाली साफ करने के लिए आई, कभी हेमंत करकरे के बारे में बोलती है। तो सरकार द्वारा जारी किए गए सीधी भर्ती के आदेश से मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का चरणबद्ध आंदोलन लगातार जारी है। मंत्रालय के सामने आदेशों की प्रतियां जलाने के बाद शुक्रवार को कर्मचारी मंच के पदाधिकारियों की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से सीधी भर्ती के आदेश वापस लेने सहित 8 मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।
आज ये जंगी प्रदर्शन और प्रांतव्यापी धरना इसलिए किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के 62 सरकारी विभागों में 1,00,000 से अधिक पद रिक्त हैं, उनमें सरकार सीधी भर्ती कर रही है, जबकि उन पदों पर स्थायी कर्मियों का, दैनिक वेतनभोगियों का, कंप्यूटर ऑपरेटरों का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, संविदा कर्मचारियों का अधिकार नियमितकरण का बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जब विभाग में रिक्त पद हैं और नियमित कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको पहले नियमित किया जाए। सरकार इन संवर्ग के कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। हम लोग 3 महीने से चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं, हमने सीधी भर्ती आदेश की प्रतियां भी जलाई हैं, सरकार पे विरोध भी दर्ज कराया है। आज 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रांतव्यापी धरना देकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों को, संविदा कर्मचारियों को, कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित किया जाए और सीधी भर्ती बंद की जाए, सीधी भर्ती करने का आदेश वापस लिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, हमारी मांगों के प्रति अनदेखी करेगी तो आंदोलन निरंतर जारी होगा। अगले चरण में और बड़ा आंदोलन इससे हम करेंगे भोपाल में ताकि सरकार को मांग हमारी पूरी करना पड़े। शुक्रवार को मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। राजधानी भोपाल का हमीदिया रोड स्थित प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीणा, प्रदेश प्रवक्ता लीलेंद्र मारण सहित समाज के अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्थापना दिवस के मौके पर सामाजिक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन के 42वें स्थापना दिवस मीणा भवन में आज संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति, चाहे वकील हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अन्य किसी पद पर नियुक्ति हुए हैं, उन सब का आज सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आज हमारे समाज के बंधुओं द्वारा किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर और पंचायत और तहसील स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 22 अक्टूबर 1980 में मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन का गठन हुआ, तब से लगातार आरक्षण, संरक्षण और प्रतिनिधियों की मांग को लेकर हमारा संगठन काम करता चला आ रहा है। 41 साल पहले इस संगठन का गठन हुआ था, जब से निरंतर हमारे समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा समाज में जो कुरीतियाँ थी, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र, सभी में हमारे समाज ने प्रगति की है और निरंतर ये संगठन समाज की प्रगति और विकास के लिए कार्य करता रहेगा। सभी समाजजनों को आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत ने अब सरकारी कब्जों से मंदिरों को मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया है। राजधानी के विश्व संवाद केंद्र में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू समाज को ही करना चाहिए, सरकारी कब्जों से मंदिरों को मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे कि पंजाब में अकाल तख्त ने तथा शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी ने पहली बार इतिहास में ये घोषणा की है कि पंजाब में जो ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र चल रहे हैं उसको रोकने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। विश्व हिंदू परिषद इस घोषणा का स्वागत भी करता है और उनको पूर्ण सहयोग करने का वचन भी देता है। देश भर में ईसाई मिशनरियों के जो षड्यंत्र बढ़े हैं, इसके लिए हम यह समझते हैं कि एक राष्ट्रीय समस्या है और इसलिए एक केंद्रीय कानून भी इसके लिए बनना चाहिए, धर्मांतरण के विरोध का, यह हमारी अपेक्षा है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने प्रयत्न से अलग अलग राज्यों के राज्य सरकार, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट्स, इनसे बात किए, इंटरेक्शन किया है और अपने जो विचार है, अपने जो सुझाव है इन धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए वह दिए है। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, ऐसे अनेक राज्यों में अभी धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं। तो यह एक विषय लेकर जमीनी काम, समाज का जागरण और योग्य कानून लाने का प्रयत्न, ये तीनों दृष्टि से हम लोग प्रयत्न करेंगे। दूसरा विषय जो आ रहा है वह यानी जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में, 5 राज्यों में
और अन्य भी राज्यों में जो दिख रहा है कि सरकारी कब्जे जो मंदिरों के ऊपर हो रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करती है। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि सरकार ने मंदिरों का संचालन या कब्जा नहीं करना चाहिए। अनेक राज्यों में जैसा ध्यान में आ रहा है कि भक्तों ने जो संपत्तियां मंदिर की सेवा के लिए दी हुई है, उन संपत्तियों का दुरुपयोग ऐसे कब्जे के बाद में हो रहा है। मंदिर का दान का धन, मंदिर की प्रॉपर्टीज, यह अहिंदुओं को भी दी जा रही है और सरकारी कामों में भी वो धन लग रहा है। विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करता है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशभर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। इस उपलब्धि को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वच्छताकर्मी सहित अन्य विभाग के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस क्रम में महाराणा प्रताप मंडल द्वारा शिवाजीनगर में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, मध्य विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में आज महाराणा प्रताप के मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे वो कोरोना वॉरियर्स जिनने अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोरोना काल में सेवा करने का काम करा और वैक्सीनेशन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज ऐसे सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान करा, स्वच्छता स्वयंसेवकों का सम्मान करा, पुलिस प्रशासन के लोगों का सम्मान करा, ऐसे उन लोगों का जिन लोगों ने इस 100 करोड़ की जो आज हमने अचीवमेंट पाया उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरी पार्टी ने ये तय कराई कि प्रत्येक मंडल में, हर वार्ड में जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ प्रथम डोज जिनको लग चुका उनका सम्मान करें, जो दोनों डोज लगवा चुके हैं उनका सम्मान करें, इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे भोपाल में कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए। 100 करोड़ प्लस मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ प्लस वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है, जिसको लेकर के हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के निर्देश पे महाराणा प्रताप मंडल क्षेत्र के शिवाजी नगर बस्ती में हम लोगों ने पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगर निगम के कर्मचारी, आशा वर्कर्स, उन सभी का हमने सम्मान किया और ये संदेश दिया कि आप सबके सहयोग से ही 100 करोड़ का वैक्सीनेशन कम्प्लीट हुआ है और उन सबका सम्मान करके उन सभी का धन्यवाद दिया है। आगे भी जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने रखा है उसको बहुत एनर्जी के साथ आगे भी उन सबके सहयोग से पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। आज कितने लोगों को सम्मानित किया? 100 लोगों को, 100 कोरोना वॉरियर्स अलग अलग विभाग, 100 डायल की सेवा भी कोविड काल में रही, नगर निगम की सेवा भी रही, उन सभी को हमारे टीम के द्वारा साल श्री फल देकर के सम्मानित किया गया। मंडल से कितने लोग आए? मंडल की हमारी पूरी टीम, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो हमारी मंडल की बूथ से लेकर के मंडल पदाधिकारी एवं जिले के भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित रहे।